अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क़िबला या काबा देखने का मोबाइल के अंदर सबसे शानदार है। छोटे साइज़ में और बहुत ही आसान से आप अपने मोबाइल में काबा या क़िबला देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पर जाएं और टाइप करें क़िबला ऐप, दूसरे नंबर पर वाले को क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड करें, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ग्रांट एक्सेस मांगेगा लोकेशन की, उसको ओके करें और उसके बाद आप डायरेक्ट क़िबला डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ओके करें और आप ये देखें, जितना मोबाइल घुमाते रहेंगे ये इतना ही घूमता रहेगा। ये मैं मोबाइल घुमा रहा हूँ तो वो खुद ब खुद काबा वहीं काबे की डायरेक्शन वहीं दिखा रहा है जिधर काबा होता है। ये W जो बना हुआ है ये काबे की डायरेक्शन है। इसी तरह मोबाइल घुमा कर देख सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक तीर का निशान आ जाएगा जिसका डायरेक्शन काबे की तरफ है, यानी ये तीर ये बता रहा है कि इधर काबा है। उसके बाद आप मैप पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैप आ जाएगा कि आपके इंडिया से काबे के बीच में कौन कौन से मुल्क आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इंडिया, नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और फिर सऊदी अरब, यानी ये सीधा डायरेक्शन काबे का मैप जो है ये दिखा रहा है। तीन तरीक़ों से आप काबे की डायरेक्शन देख सकते हैं, पहला कंपास, दूसरा एरो यानी तीर और तीसरा मैप। इसके अलावा आप इस ऐप में अल्लाह के 99 नाम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देख आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आवाज़ तो नहीं आ रही लेकिन चल रहे हैं। चौथे निशान से आप कोई सी भी मस्जिद यहाँ पर मैप में जाकर तलाश कर सकते हैं, अपने यहाँ की या कहीं की भी। और उसके बाद इसके अंदर कैलेंडर भी है और साल में कितने त्यौहार आते हैं वो सारी चीज़ है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अब इंग्लिश है, आप लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ पे हिंदी, अरबी, उर्दू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने हिंदी किया है और आप देख सकते हैं कि हिंदी हो जाएगी। इसी तरह के और इस्लामिक ऐप जैसे कुरान शरीफ, नात, नज़म, दुआ, गज़ल, काबा, क़िबला या और भी इस्लामिक ऐप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।